समझ ले तब तो ये है
उसको समझे कि वक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय सहेउरिपुकी अप्रति उत्तर चढ़ सिंह मनहु काढ़त फटे दससी। एक तो रावण अहंकारी है और ऊपर से क्या क्या सुना दिए अंकज जी, माने पाणी रूपी बाण को एकदम छोक दिए उसके हृदय रावण के। तो युक्ति रूपी धनुष से वज्र रूपी अंकज जी की जो बाड़ी है, वज्र रूपी बाड़ी के बाण यह जो है कि शत्रु के हृदय को जला रहा है जो, तो रावण ने उन बाणों को प्रत्युत्तर की सड़सियों से निकाल रहा है। अगर हृदय में बाण लगा हो तो गोली निकलेगी, तो बाण को पहले निकालेगा और उसके बाद तब वह कुछ बोलेगा। देखिए क्या बोल रहा है, कितना अंगद जी दिए है जवाब कि हमारे सेना में ऐसा कोई नहीं जो कि तुमसे लड़ने में सोगा, एकदम पक्का बात है। क्योंकि वहां पर सब राम जी के सेवक है और तुम हो घमंडी, तो तुम हो गए मेढक और सब हो गए से, जो राम जी का सेवक बनेगा वो हो जाएगा से, और घमंडी ये सब का कहां चलेगा, फिर ये सब हो जाएंगे मेढक। तो क्या कर रहा है रावण, हसी बोले दस मौली तब कपि कर बड़ गुण ए अचो प्रतिपाल सुहित करई उपाय अने। तब रावण हंस करके वही सब बाड़ियों का बाण निकाल करके हंस करके बोलता है कि बंदर में एक बड़ा गुण होता है जो उसे पालता है, उसका वह अनेक उपाय से हित करने की चेष्टा करता है। तो वैसे तुम हो, जब अहंकारी लोग कुछ एक बार बोल देते हैं ना, तो उनको लगता है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वही सही है। जैसे आज के अहंकारी सब जो है पंथधारी सब बोल चुके हैं एक जन्म में मुक्ति नहीं होता है। जो भी मनुष्य ऐसी बाणी बोलता है वह मात्र राक्षस और पापी होता है, इसके अलावा वह कुछ क्यों नहीं होगा भाई। क्या रखा है सबको, बस अगर गुरु एक पवित्र रहे और पवित्रता को देखेंगे, उसकी बाणी सुनेंगे, तो आदमी के पास बुद्धि है, समझ सकते हैं। तो धन्य किस जो निज प्रभु काजा यह नाचई परिहरी लाजा, अनाची कूदी करी लोक रिझाई अपति हित करई धर्म निपुनाई। अब देखिए रावण क्या बोल रहा है कि बंदर, हाँ बंदर तो धन है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां तहां नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। तो तुम भी बंदर हो और तुम भी यही कर रहे। तो अंगद स्वामी भक्ति तवे जाती प्रभु गुण कस न कहसी यही भांति। करे कि बंदर की जाति ही स्वामी भक्ति होती है, बंदर की जाति ही स्वामी भक्ति की होती है, और तू भी बंदर है तो तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार से कैसे नहीं बखानेगा। तो मैं गुण का हक
परम सुजाना तब कटु रटन करऊ नहीं काना। वो कह रहा है रावण अहंकार के दोष में होकर के कि मैं गुणों का ग्राहक हूँ, यानी गुणों का आदर करने वाला हूँ और परम सुजान यानी बहुत समझदार हूँ, इसलिए तुम्हारी ये जली कटी बाड़ी पर कान नहीं दे रहा हूँ। अभी बताया कि मैं धर्म नीति और क्षमा वाला व्यक्ति हूँ तो उसको जवाब मिला, और अभी कह रहा है कि मैं गुण का ग्राहक हूँ और बहुत ही समझदार हूँ। तो कह कपी तब गुण कह कताई असत्य पवन सुत मोही सुनाई। अंगद जी कहते हैं कि तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान जी पहले ही सुना चुके हैं। अपन बिंधसी सुत बधि पूरे जारा तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। कितने बड़े गुण के ग्राहक हो कि तुम्हारे पुत्र को मारकर हनुमान जी माने अशोक वन को विध्वंस कर तुम्हारे पुत्र को मारकर तुम्हारे नगर को जला दिए और तुम इतने अच्छे गुण के ग्राहक हो कि उनका कुछ मतलब अपकार नहीं कर सकते। मैंने वो आ रहा था यहाँ का जो लोकल भाषा होता है कि तुम कुछ उखाड़ तो भाव है हाँ, तुम इतने बड़े गुण के ग्राहक हाँ, कोई आवे जो ना बगीचा उजाड़ दे, लड़का के मार दे, घर जला दे और तुम कुछ कर न सके, तुम कितना बड़ा गुण के ग्राहक। तो सोई बिचारी तो प्रकृति सुहाई अदत कंधर में कीने ठिठाई। कहते वही तुम्हारा सुंदर स्वभाव विचार कर हे दस गर्दन वाले रावण, मैंने कुछ धृष्टता की है। देखे आई जो कछु कपि भाखा तुम्हारे लाजिन रोशन माखा। धृष्टता की है, हनुमान जी ने जो कुछ कहा कहे थे उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया, और हे रावण सुन, ना तो तुम्हें लज्जा है ना क्रोध है और ना तो चिढ़ है। माखा माने चिढ़, हाँ, ना तो तुम्हें लज्जा है न तो क्रोध है और न तो चिढ़न है। अपाली बिमल जस भजन जानी हतौन तो ही अथम अभिमानी। तो अब देखिए इसके बाद कहते हैं कि जो असीमति जो असीमति पितु खाए गीता कही अस बचन हसादस सीसा। तो रावण कहता अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू अपने बाप को खा गया। कही खाई खाते उनी कोई अब ही समुझी परा कछुई। कहते पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरे समझ में आ रही है। क्या कि बाली बिमल जस हाजन जानी अतहुन तो ही अधम अभिमानी। कहता अरे नीच अभिमानी,
बाली का निर्मल यश यानी पाद के कारण जानकर मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ। यह बात कौन कर रहे है? नहीं अंगज, बाली का निर्मल यश है। हाँ तुमको काक में दाबे थे, तू जिंदा रहेगा तो उसका यश बढ़ेगा। मैं तुमको मार नहीं रहा हूँ, ठीक है? ये अंगद जी की बारी, क्योंकि जब वो कहा ना कि बाप को खा गया और तुम्हारी ऐसी बुद्धि है तभी तू बाप को खा गया और ऐसी बाणी कर करके रावण हंसता है, तब अंगद जी कहते हैं पिता को खा करके अब मैं तुमको खा जाता है। लेकिन पिता का निर्मल यश है भाई, वो अच्छा भी कार्य किए, इसलिए मैं तुमको खा नहीं रहा हूँ और मार भी नहीं रहा हूँ, तुमको मारूंगा नहीं। और फिर कहते हैं अंगद जी, कहु रावण रावण जग के ते मैं निज श्रवण सुने सुनु जे ते। कहता है रावण, अंगद जी कह रहे हैं, हे रावण सुन, कितने रावण है धरती पर, कितने रावण है, मैं कितने रावण सुना हूँ और तू सुन। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये वही लंका के रावण का ही बात बता रहे हैं। थोड़ा बाली अंगद संवाद है, इसको उसका उचित भाव में कहेंगे तो आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो खेल कहते हैं कि बलि जीतन एक गयो पताला राखे हूँ बाधि सुन भय साला। अखिल ही बालक मार ही जाई अदया लागी बलि दिन छुड़ाई। अंगद जी कह रहे हैं कि मैं जितने रावण को जानता हूँ तू सुन, एक रावण रहा जो बाली को जीतने के लिए पाताल लोक में गया था, वहां पर लड़कों ने उसे पकड़ करके घुड़साले में बांध दिया और उसे खेलते थे और मारते थे, तो राजा बलि को दया आई और उन्होंने छुड़ा दिया। और एक बहोरी सहस भुज देखा अथाई धरा जिमी जंतु विशेखा। कौतुक लागी भवन ले आवा तो पुलसी मुनि जाई छोड़ावा। और एक दूसरा रावण सुन, सहस्रबाहु ये 20 भुजा 10 शीर देख करके कोई विशेष कौतुकी जीव जान करके घर ले आए थे, तो तुम्हारे दादाजी पुलस्त ऋषि जी को वो दया आई और वो जा करके विनती करके छोड़ा लाए। एक दूसरा रावण यह है। और एक कहत मोही सा कुछ अति रावण की का इन महु रावण ते कवन सत्य बदही सब बात। इन महु रावण ते कवन सत्य बदही तजी मार। करे है ये रावण, एक तीसरा रावण हुआ था जिसको कहने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, जो हो रहा है क्योंकि ये मेरे पिताजी की बात है। जो कि 6 महीने तक हमारे पिताजी यानी बाली जी के काफ में दबा रहा, इनमें से तू कौन सा रावण है, एक खींचना छोड़कर सच सच बताओ। ठीक ना,
यहाँ प्रेरणा बजे। दूसरे के मिरारू का स्वामी बनल है, दूसरे के ठगल है, फोटो पूजा करा है, तू कौन पंडित है, कौन गुरु है? मैंने तगड़ा में प्रहार हुई सब जो कह काम हुई आगे ना भाई। हाँ आगे कहे भाई, गुरु के काम आप ब्रह्म पूर करना। नहीं यहाँ आवा के नहीं लड़का कर ठीक। तो देखिए अब रावण क्या बता रहा है कि वो कौन सा रावण है। अब ये तीनों तो बड़ा अच्छी बात नहीं है रावण के लिए, तो ये तीनों नहीं बताएगा, ये नहीं कहेगा कि मैं तीनों हूँ। क्या कह रहा है कि सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हर गिरी जान जा सुभु जलीला, जान उमापति जा सुसुराई, पूजे हूँ जे ही सिरे सुमन चढ़ाई। रावण का तारे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी पूजाओं की लीला यानी करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता यानी वीरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपनी सिर रूपी पुष्प को चढ़ा चढ़ा करके पूजा मैंने किया है। सिर सरोज निजे करनी उतारी, पूजे अमित भारती पुरारी, अब बुझ विक्रम जा नहीं दिख पाला, सठ जहू जिने के उरशाला। बता रहा है कि सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अनेकों बार शंकर जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी पूजाओं का पराक्रम दिग्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है दिग्पालों के, क्योंकि दिग्पाल को भी जीत लिया था ना। अजान हिंदी गज उर कठिनाई, जब जब भी रहु जाई बरियाई, जिनके दर्शन कराल न फूटे, उर लागत मूल कई वे टूटे। कहते हैं दसों दिशाओं के जो दिक्कत है, मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, मेरा सीना कितना कठोर है, जिनके भयानक दांत जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा यानी मेरी छाती में से कभी नहीं फूटे यानी अपना चिन्ह भी नहीं लगा सकते, बल्कि जो दिखाल है उनके दांत लगते हैं तो पत्थर एक पर्वत की जो है नोचा जाते हैं, और कर दिखालों के दांत तो मूली की तरह टूट जाते हैं। मैं वह रावण हूँ जिसके चलने से पृथ्वी वैसे डगमग करती है कि कोई एक मतवाला हाथी थोड़ा नौका पर जब छोटे नौका पर चढ़ता है तो नौका डग डग करती है। मैं वैसा रावण हूँ। और संसार में वही प्रसिद्ध और प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले बानर, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? अभी इतना बताया है कि मैं सुना हूँ, जानता हूँ, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ ही खींच रहा है कि मैं इतना बड़ा बलशाली रावण। अच्छे ही रावण कहा लघु कहसी, अनर कर करसी बखान, रे कपि बर बर खर बखल, अब जाना तब
और जगत प्रसिद्ध रावण को यदि मुझे तू छोटा करता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। राम जी को मनुष्य कह रहा है। अरे दुष्ट असब दुष्ट बंदर, अब मैंने तुम्हारा ज्ञान जान लिया। देखिए नाथ, जब ज्ञान होता है वास्तव में परम तत्व परमात्मा का ज्ञान, तो आदमी को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन उस ज्ञान का जहां थोड़ा सा अभिमान हुआ, वह सब चीज वहीं पे चौपट हो जाता है। तो जब अंगद जी ये बाणी सुनते हैं, तब जो है क्या जवाब देते हैं थोड़ा? देखिए, सुनी अंगद सको कह बाणी, अपोलु तमहारिया थम अभिमानी। जब अंगद जी ऐसी बाणी सुनते हैं तो कहते रे अधर्मी रावण, खोद संभाल करके अहंकारी रावण को क्रोध में बोलते हैं अंगद जी, अधर्मी और अभिमानी, रे अधर्मी और अभिमानी रावण होश में बोल, माने संभाल कर यानी सोच समझ कर बोल। सहस्र बाहु बुझे कहन अपारा, कहन अनल समय जासु कुठारा। वह सहस्र बाहु जो तुमको पकड़ लिया था कीड़ा जान करके, उसके भुजाओं को काटने वाले परशुराम जी, जिनका जिनकी भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए उनका कुठार अग्नि के समान है या था। तो जासु परसु सागर खर धारा, पूरे नृप अगणित बहुबारा, पतासु गर्भ जेही देखत भागा, सोनर क्यों दस शीत अभागा। कहते हैं वही फरसाधारी परशुराम जी, जिनके फरसा रूपी समुद्र के तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए हैं, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया, वे राम जी कोई मनुष्य है? अरे अभागे दशीष रावण, तुमको क्या लग रहा है वो कोई मनुष्य है? आज भी धरती पर अगर कोई राम जी को मनुष्य कहता है तो वह राक्षस होगा। वह मनुष्य शरीर धारण किए थे परम पिता परमेश्वर, वह जो है कि ये पंच तत्वों का बना हुआ नर शरीर, इसको समझिए ना, ये बड़ा क्योंकि अंगद जी एकदम जो है एक रस्सी नहीं, अभी देखिए आगे कहते क्या क्या है। और कहते हैं बड़ा अच्छा प्रसंग है, इसको जो है कि आप लोग सुनिए, एक एक शब्द को अच्छे से हृदय में बैठाइएगा। राम मनुज कसे रे सठ भंगा, थनवी कामुन दीपुनि गंगा, पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूषा। ध्यान दीजिएगा, निशान लगा लीजिए। कहते हैं कि क्यों रे मूर्ख उदंड, रावण को अंगद जी क्यों रे मूर्ख उदंड, क्या राम जी मनुष्य है? काम जो भी कोई धनुर्धारी है और गंगा जी कोई नदी है? अगर कोई गंगा जी को नदी कहता है वह भी मूर्ख है। और काम धेनु कोई पशु है, कल्प वृक्ष का पेड़ है, अन्न दान भी कोई दान है? अन्न दान महादान हो रहा है ना, क्योंकि वह अन्न को जो है लेबोरेटरी में बनाया नहीं जा सकता। और अमृत भी क्या रस है? अपन देह खग अहि सहसानन, चिंता मनि पुनी
पति मंद लोक वैकुंठा अल्लाह भक्ति रघुपति भगति अकुंठा। कौन कह रहा था? शिव कुमार भाई, कि सबको तुरंत लाभ चाहिए है, ध्यान दे। कहते हैं कि गरुड़ जी क्या पक्षी है, देश जी क्या कोई साधारण सांप है, और अरे रावण चिंतामणि भी कोई पत्थर है, और मूर्ख सुन वैकुंठ भी कोई लोक है, और श्री राम जी की अखंड भक्ति भी क्या कोई साधारण लाभ के समान कोई लोभ है। कुछ राक्षस कहते हैं कि आप ये सब काम कर रहे हैं, आपको भी तो भगवान की भक्ति का लालच है। तो ऐसे लोग मात्र राक्षस होते हैं, क्योंकि तो भगवान की भक्ति साधारण लालच के बीच में बात करेंगे लोग। एक भी राम जी के भक्त नहीं है, सबके जो सब जो है कि कपटी तंबी चारों तरफ बैठे हुए हैं। बता तो रहा हूँ ना कि ऐसे जो है, देखिए कितनी सही सही बाड़ी है, और इन सब बाड़ियों को हमेशा अपने चित्त में घुमाइएगा, क्योंकि ये सब परम दिव्य व्यवस्था है ना। असेन सहित तव मान मति अपन उजारी पुर जारी, अकसरे सठ हनुमान कपि कयउ जो तव सुत मारी। अंगद जी कह रहे हैं कि हनुमान जी जो सेना समेत तेरा मान मत करके अशोक वन उजाड़ कर नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मार कर लौट गए, और तू उनका कुछ न बिगाड़ सका, क्या रे दुष्ट, वे हनुमान जी कोई बंदर है? बार बार बंदर बंदर कह रहा है, समझ रहे हैं? देखिए नाथ अंगद जी की कितनी बड़ी बुद्धि और प्रभुता है, वो भी दरबार है। पहले बताए कि क्या हुए, हनुमान जी कोई बंदर है? इतना बड़ा बड़ा जो काम करे उन्हें तुम जो है साधारण समझ रहे हो, और फिर समझा रहे हैं। राम जी कहे ना कि मेरा हित हो, अरे मेरा काम हो जाए और शत्रु का हित हो। तो सुनु रावण परी हरि चतुराई अफजसी न कृपा सिंधु रघुराई। कह रहे हैं कि रावण सब चलाकी छोड़कर श्री राम जी यानी कृपा के समुन्दर श्री राम जी का भजन क्यों नहीं करता? राम कर द्रोही ब्रह्म रुद्र सकरा की न सोई। अंगद जी कह रहे हैं ये दुष्ट रावण सुन, राम जी से द्रोह करने पर ब्रह्मा और शंकर जी भी नहीं बचा सकते, यह स्थिति है, और मुहे बिधा जनी मारसि गाला राम पयर अस होई खाला। मूढ़ पिखा जनी मारसि गाला राम पयर अस होई हाला। अतव सिर निकर कपिन के आगे परिहि धरनी राम सर लागे। अंगद जी कर रे मूढ़ रावण व्यर्थ गाल न मार, माने डींग मत मार, श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तुम्हारे जो सर है इसके समूह श्री राम जी के बल लगते ही बांदरों के आगे पृथ्वी पर होंगे। तुम्हारा जो यह गर्दन है सर सहित बांदरों के आगे पृथ्वी पर होंगे।
अति तव सिर कंदुक समनाना अखली है भालू की चौगारा फुटबॉल की तरह हाँ। कहते और रीच बानर तेरे उन गेंद के समान अनेक सिरों से चौगान खेलेंगे हाँ। चौगान माने वही फुटबॉल। जब ही समर को पी रघुनायक छुटी हही अति कराल बहुसायक। और जब श्री राम जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे तब क्या होगा कि सब की चली ही असे गाल तुम्हारा अस बिचारी भजू राम उदारा। तब क्या तेरा गाल ऐसा चलेगा ऐसा विचार कर कृपालु श्री राम जी का भजन कर। अंगद जी ऐसे समझा रहे हैं। सुनत बचन रावण पर जोरा अचरत महानल जनु कृत पोरा। और अंगद जी की इतनी अच्छी बारी सुनने के बाद भी रावण भयंकर रूप से जल उठा जैसे कि जल रहा था उस पर घी पड़ गया आहुति। तब क्या कहता है कुंभकरण यस बांधु मम अशुत सुत प्रसिद्ध सकारी अमोर पराक्रम नहीं सुनही जीते हूँ चराचर जारी। अभी इतना बता रहे हैं कि नहीं रावण मैं सुना हूँ और जानता भी हूँ कि तू कौन है फिर ये बोल रहा है अरे मूर्ख अंगद जी को मूर्ख सुरे को जीतने वाला क्या पराक्रम तूने सुना नहीं। मैंने संपूर्ण जल जल और चेतन को जीत लिया है। असख साखा मृगे जोरी सहाई बाधा सिंधु है प्रभु साई अनाघ ही खग अनेक बारिश सुर न हो ही ते सुनु सब की सा। और रावण क्या कहता है रे दुष्ट बानरों की सहायता से राम ने समुद्र को बांध लिया उनकी यही प्रभुता है। समुद्र तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं पर इससे वे सूरवीर नहीं हो जाते हैं। अरे मूर्ख बंदर सुन रावण अंगद जी को कह रहा है मूर्ख बंदर सुन जब आदमी अभिमान और अहंकार के बस में होता है ना तब वह दूसरे की बाड़ी सुन हाँ। इसलिए कहता हूँ नास्ती जब भी यहाँ बैठे तो एकदम चित्त को निर्मल करके फिर कहता है कि मम भुज सागर बल जल पूरा क्या बूढ़े बहु सुर नर सूरा अभीष पयोधिया गाधे अपारा हो अस वीर जो पाई पारा। कर आए कि मेरे भुजा रूपी समुद्र बल रूपी भुजा रूपी समुद्र में बल रूपी जल पूर्ण है माने भुजा मेरी समुद्र है और इसमें जो ताकत है वही है इसमें जल समझ रहे हैं। रावण कह रहा है और कह रहा है कि इस जल में माने जो भुजाओं का बल है उस बल रूपी जल में कितने सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं आज यही सब करते हैं बाबा जी बन करके गलत कार्य करते हैं और जब उनका पोल खुलने को होता तो कितनों को मरवा डालते तो वैसे ही करनी हुआ ना देख लीजिए ना। अभी से पयो अपारा वो कह रहा है कि ये पीसो जो हमारी भुजाए हैं हाँ ये पीसो समुंदर है
और मेरे इन अथाह और अपार बीच समुद्रों का पार कौन पाएगा, माने कौन ऐसा वीर है जो कि मेरे इन बीच समुद्रों को पार कर लेगा। और फिर कहता है दिख पालन में नीर भरावा अफूप सुजस खल मोही सुनावा जौ पै समर सुभट तव नाथा पुनि पुनि कहसी जा सुगुन गाथा। कहता रे दुष्ट मैं दिखपालों से पानी भरवाता हूँ, तू एक राजा का मुझे सुय सुनाता है, यदि तेरी मालिक जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा हर गिरि मथन नीरखु मम बाहू अपुनि सच कपि निज प्रभु ही सराहू। तो कहते हैं कि यदि वह युद्ध करने वाला है तो फिर दूत किस लिए भेजता है, शत्रु से प्रीति यानी प्रेम करते हुए उसे लाज नहीं आती है। ये बड़ा रहस्य की बात है, वास्तव में जो शत्रु है उनसे प्रेम करने की नीति नहीं है, और शत्रु से प्रेम करेंगे उसको जब मौका मिलेगा तो वो आपको उल्टा कर देगा। कहते कैलाश का मथन करने वाली मेरे भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर अपने मालिक की सराहना करना, माने जो तू बार बार सराहना कर रहा है इस मालिक की, तो सूर कवन रावण सरिस अश्व कर काटी जेहिसीस हुए अनल अति हरस बहु बार साथी गौरी। तरह की रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपनी हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम कर दिया हो, और स्वयं गौरीपति शंकर जी इसके साक्षी हैं। ध्यान दीजिएगा नाथ, और यहाँ पर जो बाड़ी आ रही है यह बिल्कुल पक्की पक्की बाड़ी है, इसको समझने के लिए पक्की पक्की कर लीजिए। रावण कहता है कि जरत बिलो के जब ही कृपा जरत बिलो के जरत बिलो के जब ही कपाला अभी के लिखे अंक निज भाला अनर के कर आपन पद बाती हसे उजानी विधि गिराया साची। डॉक्टर साहब, जैसा भी कर्म होता है शरीर के द्वारा, स्थूल शरीर के द्वारा, वह कर्म का स्वभाव, कर्म करने से स्वभाव होता है। लोग कहते हैं हमारा स्वभाव है यह भाटा कर दे, तो वह स्वभाव जीव का हो जाता है, और वह जीव जो भी शरीर प्राप्त करता है, तो यह जो आप मस्तक देख रहे हैं तो मस्तक से ब्रह्मा जी के द्वारा लिख दिया जाता है। अगर आप किसी भी जीव का मस्तक अगर देखेंगे तो उस पर कुछ लिखा होता है। तो रावण आज इतना गौ हत्या क्यों हो रहा है, ये सब जीव जो गौ का भी शरीर धारण किए हैं वो पहले ऐसा कर्म कर चुके हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। आज मात्र इतना ही है कि आज अगर ये बुद्धि खुल जाए तो कम से कम अपने कर्म को जो कर्म कर रहे थे उसको बचा सकते हैं, क्योंकि भगवान सबको कर्म करने की स्वतंत्रता दिए हैं। वो थोड़ा कहते हैं कि नहीं तुम चोरी करो झूठ बोलो, वो तो आदमी प्रारब्ध के बस करता है। तो वही कह रहा है कि जब मैं अपने मस्तकों को आगे में गर्दन को ठोकता था
और जब वो जलते थे तो मस्तक से लिखा हुआ अंक मैं पढ़ा, ब्रह्मा जी का लिखनी, और पढ़ा कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से होगी, तो मैं सोचा कि ये ब्रह्मा बुद्धा हो गया है, उसकी बुद्धि भोरी हो गई है। तो एक बताता है, असो मन समुझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। कहते वो पढ़ करके मेरे मन में थोड़ा भी दुख नहीं है, क्योंकि वो उठा बुद्धि हो गया है ब्रह्मा का, इसलिए उसको समझ में नहीं आया, झूठा लिख दिया, उसका मुझे भय नहीं है। आने वीर बल सखम में आगे, पुनि पुनि कहती लाज पति त्यागे। और कह रहा है रावण, कह रहे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है, कौन है मेरे जैसा वीर? यह वाणी अगर जो भी बोल दे कि मैं बहुत वीर हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा वैरागी हूँ, अगर मैं हूँ, किसी भी वाक्य में मैं और हूँ यह दो शब्द आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि वह अज्ञानी है, क्योंकि मैं वो उसी को कहते हैं ईगो, अभिमान, और हूँ माने अहम। तो जहाँ अहंकार और अभिमान है तो वहां पर ज्ञान कहाँ है? इसलिए नाथ बहुत ही बाड़ी की पवित्रता की जरूरत होती है, उसके लिए सांसारिक विषय की हवा जब चलती है तो लोगों का मन जो है, पीपल का पत्ता देखे हैं, हवा चलता है हल्का सा भी तो कांपता है, वैसे ही है संसार का विषय हवा है और मनुष्य का मन वो पीपल के पत्ते के समान है, थोड़ा सा भी अगर हवा चलेगा हाँ तो लोग कहे न कहा करी गुरु सोची रहा, लेकिन बुद्धिया सीधा नहीं हो पाओ। जब संसार के विषय में सोचबे तब बुद्धि कहाँ से स्थिर होई, जब हवा चली तो मन बाप पीपल के पत्ता हिलवे करी, यही से गहन कुल विषय छोड़ो, खाली संतन के कल्याण के बाद अंदर रख करके प्रभु का भजन करो निष्काम भाव से, ठीक न तो थोड़ा साइड में बैठ जा, ठीक हो बहुत ही उसे तू कहता है ठीक हो ठीक हो, करण भाई से पूछे जलन नहीं नहीं ठीक हो, क्या अर्थ हो रहा करण भाई? नहीं 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 अभी नहीं, तू बात थोड़ा अलग बा, और क्या कर रहे अब इनका बताइए हम बोलू दे सही। दरअसल जब मास्टर डिग्री गुरु का जो नो की डिग्री करत रहे तो समय ये गुरु का जो नो स्वभाव ऐसा रहा, तो कोनो कोई से गलती हो जाए कोई करे पांडे जी सॉरी 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 माने माफ करिए, हाँ तो कहे नहीं नहीं ठीक हो, नहीं नहीं कोई बात नहीं ठीक हो, ऐसे बोल दे। अब सब लड़का लोग जो है खुशदारी, अब कोई जो है अब नाम लेना तो उचित नहीं हुआ, लेकिन वो जब विदाई हुआ लगल गुरु की डिग्री पूरा हुआ वाला रहा, विदाई हुआ लगल तो कोई पीछे लड़की खड़ी रही और उसके थक्का देते कोई, और जो हो आगे से पीठी पे चिपक गई ना, ये जो ना गिरते हुए ऐसे हाथ नीचे कर ले और ऊपर से लड़की समझे, अब उसका पूरा सीना जो ना पीछे से गल दब और आगे से पकड़, और उसके बाद में वो लड़की कह रहे पांडे जी सॉरी सॉरी सॉरी, और पांडे जी के मुंह से निकल नहीं नहीं ठीक हो।
देखल जाए आगे चला नहीं तो नहीं नहीं ठीक हो में जाता है और खच्चर कितना
भार लादता लेकिन वो जो मैं धीरे धीरे मोह के बस में पहुंच में चलत है और मोह के बस में भारो होवत है। देखा हाँ महाराज कई कहे बदे नहीं समझो जौन की हम ये इतना कहते कर सबका लेकिन सेवक बन के मोहब्बत नहीं इतना तो समझाओ भाई ने पानी छू वाला पेड़ से कोई चिड़ी नहीं था मत टेंशन चमत्कार जान दे जान दे जरही पतंग मोह बस अफार बही खर बीस अते नहीं सूर कहो वही समुझी देखू मति मंद। एक बात भी तुसे अपने आप के मति मंद न मन गए मोह बस चरतो माया और आरूढ़ होवत है माने कि वही जो पतंगा मेरारू का शरीर होला भाजन है मेरारू लोगन का शरीर होला दिया और आदमी लोगन का मन होला पसियारी ऐसे समझो अगर समझ जाए तो वो दिया के लग के अब मत जा अब 63 के छोड़ के 36 का आंकड़ा बनाओ लेकिन नहीं अब ऐसे हो जा ठीक ना। तो कहे के तात्पर्य कि यह सब समझे के बात हो ऐसे कि वहां से बल बुद्धि सत्य और मर्यादा चार चीज नाश हुई ठीक ना। तो फिर जोड़े चीज से जब एक शरीर से बल बुद्धि सत्य मर्यादा कुल नाश हो तो फिर बताओ शरीर में कंकाल के अलावा बचा तब अपन बुद्धि यह लगावे के बाद तो यही बात बता रहे हैं और कहते हैं कि अब जनी बत बढ़ाव खल कर ही सुनू मम बचन मान परिहर ही। अंगद जी कर रहे हैं के दुष्ट राम सुन अब बात को बढ़ाओ बस। देखिए अंगद जी का सभा में कैसे बोल रहे हैं अब बात को ज्यादा मत बढ़ाओ और मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। दस मुख मैं न बसी थी आयाऊ अस बिचारी रघु वीर पठायो करे अंगद जी के रावण सुन मैं दूध की तरह तुमसे संधि की बात करने नहीं आया हूँ। श्री राम जी ने ऐसा विचार करके मुझे भेजा है वही बता रहे हैं सही सही बात कि बारे बारे ऐसे कहाई कृपाला और नहीं गजारी जसु बधे सिकाला। श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार को मारने से सिंह को यश नहीं मिलता तुसियार है और राम जी शेर है तो सियार को मारने से शेर को यश मिलेगा ठीक। और मन महु समुझी बचन प्रभु के रे असहे कठोर बचन सच तेरे। कहते हैं कि मन में वचनों को श्री राम जी के द्वारा कहे गए बाणियों को समझकर मैंने तुम्हारे कठोर बाणी को सिर्फ सहा हूं नहीं तो कितनी ताकत है मेरे अंदर कि ना ही तो करी मुख भंजन तोरा ले जाते उसी ताही पर जोरा अचाने तब बले अधम सुरारी सुने हरियाणी पर नारी। कहते इतनी ताकत है रावण कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़कर जबरदस्ती सीता
जी को ले जाता। अरे अधर्मी रावण, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तूने सुना पा करके पराय स्त्री की चोरी कर आज भी यही जो है कर रहे हैं। मिरारू दूसरे का स्वामी कोई, ऐसे कैसे काम होई, ऐसे कैसे काम होई। डॉक्टर साहब समीकरण बनाओ जी। और कहते हैं कि तैनिति चरपति गर्भ बहुता मैं रघुपति सेवक कर दूता, अजौन राम अपमान ही डरऊं तो ही देखते अस कौतुक करऊं। कहते तू राक्षसों का राजा है और बड़ा अभिमानी है और मैं श्री रामचंद्र जी के सेवक का सेवक हूँ। रामचंद्र जी के सेवक है सुग्रीव जी और मैं उनका सेवक सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो देखते ही देखते मैं तुम्हारे सामने कैसा तमाशा करूं। जय श्री राम। संसार जगत में कचरा में बैठ करके तपस्वियों के अलावा एक भी प्राणी जीवित नहीं, सब जिंदा रहते हुए शरीर के साथ भी मुर्दे के बराबर है। अगर कोई मर जाए तो के घरे रखो ले नहीं, अगर रखबे तो क्या हुई मक्के लगी। आज सब मुर्दे के रूप में हो गए। पूरा का पूरा विश्व धर्म संगठन का धर्म अध्यक्ष जो विश्व धर्म संगठन है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है, उसका जो अध्यक्ष है वहां से लेके धर्म गुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वर जितने राजा है राष्ट्रपति है जितनी व्यवस्था है धरती पर यह मात्र मुर्दे के बराबर है। और इस बात को आप लोगों के सामने प्रमाणित किया जा रहा है। जिसको भी मन में कोई भी संदेह हो वह बहुत प्रेम से इस वाणी को सुनने के बाद अपने भ्रम को दूर कर सकता है। यह अंगद जी की वाणी है, उसको समझिए कैसे अंगद जी कह रहे हैं कि श्री राम जी की आज्ञा नहीं है नहीं तो मैं तुम्हारे सामने कैसा कौतुक करता। ध्यान दीजिएगा कि तो ही पटकी मही सैन हती चौपट करी तब गाँव अब युवती ने समेत सख जनक सुत ही ले जाओ। अंगद जी कह रहे हैं जगत श्री राम जी के आन की सोच न होती मैं तुमको पकड़ करके यहीं पे पटक देता और तुमको मार कर तुम्हारे सेना का संहार कर तब जो है तुम्हारा जो राज्य है लंका उसको नष्ट भ्रष्ट कर देता और माता सीता को समस्त स्त्रियों के सहित बड़े सम्मान के साथ ले जाता। लेकिन कहते हैं कि जो वश करो तदपि न बढ़ाई हमुए ही बधे नहीं कछु मनुसाई। कहते ऐसा करूं भी तो इसमें कोई पुरुषार्थ मेरा क्यों, मरे हुए को मारने से पुरुषार्थ नहीं मिलती है। अब देखिए अंगद जी बता रहे हैं कि कौले काम बसे कृपी ने बिमूढ़ा अति दरिद्र जैसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी अतनु पोषक निंदक अघानी जीवत सव समय चो
14 अफगानी 14 प्रकार के प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान होते हैं। पहला प्राणी जिसकी बुद्धि विकल हो, जिसकी बुद्धि विकल हो, अब सोचिए आप लोग विचार करके देख लीजिए कि जिसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं है वो अच्छा कर्म कर पाएगा? विकल बुद्धि है, खराब कर्म करेगा तो महकाएगा मुर्गों की तरह। और दूसरा, जो काम वासना के पक्ष में है, जैसे आपका प्रधानमंत्री कहता है मैं कई से कई घंटे काम करता, जो काम वासना के पक्ष में है, तो जो वासना के पक्ष में रहेगा, वासना के पक्ष में, वह पवित्र कार्य करेगा। अगर कोसी को भी अगर पक्ष में कर लिया जाए तो उसकी बुद्धि पवित्र होगी। माने जिसे कहते हैं वाम पंथी, ये सब जो नारी को पूछते हैं नहीं, वो सब जो है पंखी वगैरह जो पूछते हैं, अरे पश्चिमी बंगाल वाला जो है सब जो नारी को, हाँ वो सब के सब सब उन्हीं को शक्ति समझते हैं। क्या कि सब जितना काम करते हैं नारिये बदे करते हैं ना, तो ये जितने जो है कि वामपंथी हैं, वामपंथी माने वेदों के वेद के विरुद्ध कार्य करने वाले, क्योंकि वेद जब प्रभु तक पहुंचता है, पहुंचते हैं तो नेति नेति कहने लगते हैं कि उनका कोई अंत नहीं है, श्री राम जी का कोई अंत नहीं। और इधर वेद के विरुद्ध जा करके जो वाम मार्गी है माने वेद विरुद्ध कार्य करने वाले, वे मरे हुए के समान होते हैं। और कृपी कंजूस, देखिए आज जो है कि राम नाम कितना सरल व्यवस्था है, लेकिन इसका भी जाप करने में लोग कंजूसी कर रहे हैं, तो कंजूस है तो मरा हुआ है। विमूढ़, जो बिल्कुल मूर्ख हो। अति दरिद्र, जिसके पास कुछ भी ना हो, मतलब न तो ज्ञान हो और न तो शरीर में शक्ति हो, माने किसी भी प्रकार की ताकत नहीं है, तो मरा हुआ ही है। आजसी, जिसके ऊपर अपयश लग गया हो, अगर कोई गलत कार्य करता है तो अपयश लग जाता है ना, कलंक, तो वह जहां जाता है सब उसको देख करके अरे बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा खराब है, ऐसा ऐसा है, तो अपयशी भी मरे हुए के समान है। और अति बूढ़ा, जिससे चला फिरा नहीं जा रहा है, बिस्तर पे पड़ा है, तो भी मरा के समान ही है। सदा रोग बस, जो हमेशा के लिए रोगी बन गया है, जिसे कहते हैं कोमा में चला गया है डॉक्टर साहब, जो हमेशा रोग के बस में है, तो भी मरा के समान ही है। और संतत क्रोधी, जो हमेशा क्रोध ही करता बिना किसी कारण के भी क्रोध। अब विष्णु विमुख, विष्णु का अर्थ है कि परम वैरागी, तो जो रागी है माने लोभ की ओर बढ़ रहा है, तो आज सभी लोग लोभ की ओर बढ़ रहे हैं, विष्णु जी कोई लोभी नहीं है, बल्कि उनकी जो है कि छाया है लक्ष्मी, उसी से तो सब काम होता है। अगर विष्णु जी लक्ष्मी जी के पति न होते तो उनको कोई जानता है ना, तो जो विष्णु के विमुख है वो भी मरा के समान है, आज सबके सब है। और श्रुति माने वेद, वेद और संत के जो विरोधी है, आज जितने समाज में पंथ निकाले गए हैं वो सब वेद विरोधी है, क्योंकि जब वेद मार्ग से चलना है तो नए पंथ की जरूरत कहाँ थी, ऐसे समझा जाए। संत विरोधी, जो सिर्फ अपने ही शरीर का पालन पोषण करने में लगे हैं, अपने ही शरीर का पालन पोषण लगे हैं, परहित का कोई भाव नहीं है, तो शरीरीय के पाल पोष करके जे बड़ा कर रहे हैं, जबकि पता है कि ये शरीर नश्वर है, तो मूर्ति के ही समान है। और निंदक,
बार बार वही करते समान नाश। निंदक जो हमेशा दूसरे के निंदा करने में ही मन कोल बैठाए रखे हैं। अरे निंदा तो किसी की सोचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर रहा है अपना उसका भरेगा। आज मुक्त अवस्था में इसे समझा देते हैं सब कुछ। और अब खानी जो पापों की खान है, ऐसे 14 प्रकार के प्राणी ये जो है जिंदा रहते हुए भी मुर्दे के समान। आप लोग विचार करके देख लीजिए, ऐसे जितने प्राणी हैं वही समाज में तमाम प्रकार के दुर्गंध फैला दिए हैं, है ना? और जब दुर्गंध हो गया तो लोगों का मन जो है बिल्कुल होगा। इच्छा राम भाई समझे में कोई दिक्कत? देख 14 के बाहर निकलते हैं तब जो है कि समझ ले कि मनुष्य बनवे है। 14 के अंदर रहा डॉक्टर साहब, आपके समझ में आवा था ही बात? ये 14 के जो भी संसार जगत का प्राणी सुने इस बारे में समझे पहले कि अगर 14 के अंदर है तब जो है कि मरा हुआ ही अपने आप को समझिए, फिर आपके द्वारा समाज में महक ही जो है दुर्गंध ही पहले की। अगर ऐसा है तो वही कहते हैं कि यश बिचारी खल बधाऊ न तो ही अब जनी से उप जावसी मोही। कहते हैं कि रे दुष्ट, ऐसा जानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ और आप मुझे और ज्यादा गुस्सा न दिला। अंगद जी कह रहे हैं कि अब और ज्यादा मुझे गुस्सा मत दिला। देखिए राम भगत के अंदर कितना बड़ा ताकत होता है ना जी। निंदा क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। जब श्री राम जी की ऐसा निंदा करता है रावण तब अंगद जी बिल्कुल क्रोध में आ जाते हैं। क्यों? आज आप लोग सुनिए और निशान लगा लीजिएगा ना। हरि हर निंदा सुने जो काना कोई पाप को घात समाना। विष्णु और शंकर जी की निंदा जो सुनता है उसे सबसे बड़ा पाप होता है गो घात। गाय की हत्या सबसे बड़ा पाप होता है क्योंकि गाय संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है जी। तो कहते इतना बड़ा पाप लगता है। इस दिन उस दिन हम जो है कि वो जो उमा शंकर बैठा था मैं इसीलिए बोला था क्योंकि अनीति है क्या कि विष्णु जी और शंकर जी की निंदा को सुनने पर जो है वो घात के बराबर पाप लग जाता। इसलिए भगवान का निंदा कभी नहीं सुनना और निंदक को सामने कभी आने की अनुमति भी नहीं देना चाहिए। और कहते हैं कि हम भक्त हैं, भक्त हैं तो अपने जो है कि नियम में रहेंगे तब भक्त हैं, नहीं काहे का भक्त है। जाइए गुरु जी को अपना जाकर के धन लुटा दीजिए, मेहरारू जाकर के स्वामी बोले, दूसरे को जाकर के मेहरारू स्वामी बोल रही है और कर रहे हैं कि हम भक्त हैं। तो वही है हरि हर निंदा सुनई जो गाना पहोई पाप गो घात समाना। अकट कटान कपि कुंजर भारी तू भुज दंड तामकी मही मारी। ध्यान दीजिए गुस्सा आता है तब जो है कि मानव श्रेष्ठ अंगद जी बहुत जोर जोर से आवाज किए और उन्होंने जोर से अपनी भुजाओं को धरती पर फटक दिया। तो हुआ क्या उससे कि डोलत धरनी सभा सद खासे अचले भाजी भय मारुत ग्रासे। धरती हिलने लगी और सभासद जो बैठे थे गिर पड़े। देखिए कहाँ दिखाया गया है रामायण में, वो क्या जानेगा जो है रामानंद। यही है राक्षसों के भीड़ में पैसा कमाने के लिए इतना नीच काम करते हैं। ऐसे थे अंगद जी, मारते हैं वहां पर वो जो है गिर जाते हैं सभासद। और इतना ही नहीं है वो सब भागे, वो
भागे वहाँ से, हाँ गिर पड़े और खै रूपी भूत से ग्रस्त होकर पास अकीरत सवारी उठा दस कंदर भूतल परे मुकुट अति सुंदर। और रावण का मुकुट गिर गया, वो गिरते गिरते बचा, गिरते गिरते हाँ। तो भक्तों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो यही होगा। कछु कछु से ही ले निजे सिरनी सवारे कछु अंगद प्रभु पास पवारे। अब दोस्त सिर का मुकुट गिरा तो कुछ तो लेकर के सर से लगाया और कुछ अंगद उठा कर फेंक दिए प्रभु के पास। समझ रहे हैं? हाँ, बड़े फुर्तीले हैं। अकीरत सवारी उठा दस कंधरे भूतल परे मुकुटे अति सुंदर। कछु ते ही ले निजे सिरनी सवारे कछु अंगद प्रभु पास पवारे। ठीक है, अब तुझे कबर गुरु इतना बल तो हमने में नहीं बा, कहाँ से रही कुछ दे दिले रही कहा। कोई बात नहीं, सब मित्रवत भाव बा, सबको चिंता न करें। कहे कि ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी बा, बिना ओकरे जो है तो ध्यान दे। आवत मुकुट देख कपि भागे अति नहीं लोक परन विधि लागे। मुक्तों को आते हुए देखकर कपि लोग भागे कि कोई जो है कि वो गिर रहा है। लू लू क्या बोलते उसको, हाँ तारा जोड़ टूटला ना, तो करे दिन ही में तारा टूट रहा है। कि रावण करी कोप चलाए पुलिस चारी आवत अति धाए। और बांदर लोग सोच रहे हैं कि क्या रावण क्रोध करके बज चलाया है क्या, तो बड़े वेग से आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब उल्टा पुल्टा दिखाए हैं रामानंद सागर, उनको पता नहीं। कहा प्रभु हसी जनी राम जी हंस करके गरा डरो मत, लूक नयसनी के तू नहीं राव। मन में मत डरो, यह न तो उल्का है न तो वज्र है और न तो केतु या राहु ही। एक रीति दस कंधर के रे आवत बालिका नायक तेरे। कहते रावण का मुकुट है और अंगद जी इसको फेंके हमारे पास, तब देखिए हनुमान जी क्या करते हैं। इस तरह की पवन सूत कर गए धरे प्रभु पास अकौतुक देख भालू कपि तिन कर सरी से प्रकाश। तब जो है पवन पुत्र श्री हनुमान जी उछाल करके पकड़ लिए, समझ रहे हैं, और प्रभु श्री राम जी के पास लाकर रख दिए। तब रिक्ष और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। ऐसे थे कुछ युवक सूर्य के समान था। तो और देखिए, अब बड़ा अच्छा प्रसंग है, इसको ध्यान से सुनिएगा। उहा सकोपी दसानन सब सन कहत रिसाई हरहु कपि ही धरी मारहु असुनि अंगद मुसुकाय। देखिए अभी सब गिर गए और भाग रहे हैं, रावण किसे किसे बचा है। इसके बाद भी सभा में क्रोध करके रावण कहता है कि बंदर को पकड़ लो और
कागज है, ये सब क्या करेगी? तो ठीक यही पीछी देगी सब भावहू खाऊ भालू कभी जह जह पावहू मरकट ही न करहू मही जाई सियत धरहू तापस दो भाई। फिर रावण बोलता है कि इसे मारकर माने अंगद जी को मारकर तुरंत दौड़ो और जहाँ जहाँ रीछ बानर दिखे सबको पाओ वहीं खा जाओ और पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो। पृथ्वी को बंदरों से हाँ कि बंदर अब रही न जाए और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जीते पकड़ लो। समझ रहे हैं ऐसे ही होते हैं अहंकारी लोग। पुनी जी ना सब पहले पर भी वो अहंकार बा कल्याण लोग नहीं बैठ रहे कल्याण कल्याण तो पुनि सकोप को ले उजुब राजा अकाल बजावत तो ही न लाजा। हरिश्चंद्र भाई ध्यान दे युवराज अंकद जी कहते हैं काल बजाने में लाज नहीं आ रही है रावण और मरुगर का दीनी लज कुल खाती बल दिलो की भी है रति नहीं छाती। कहते तुझे लाज नहीं आती है अरे निर्लज कुल नाशक गला काट कर आत्महत्या करके जो मर जाता है मर जा तू जाके क्यों? क्योंकि तुम्हारा इतना अपमान हुआ तुम्हारे पुत्र को हनुमान जी मारे अशोक वाटिका उजाड़े और तुम्हारे नगर को जला दिए बहन का नाक कान कट गया तो कह रहे हैं कि तू जा आप हत्या करके मर जा मेरा बल देख कर तुम्हारी छाती नहीं फंसती ऐसा अंगद जी बोल रहे हैं। और क्या कहते हैं कि रेती है चोर कुमार गानी अखल मल राशि मंद मति कामी असन्य पात जल पति दुर्बादा भयति काल बस खल मनु जादा। कहते रे नारी का चोर कुमार्ग पर चलने वाले अरे दुष्ट पाप की राशि मंद बुद्धि और कामी आप जानिए यह सभी के सभी कार्य आज सभी पंथधारी कर बैठे हैं। सब कुपंथ निकाल निकाल करके यह जो भगवान शंकर जी के रचना है इससे अलग हट हट करके सब वही कर रहे हैं वही कर रहे हैं। देखिए अवस्था वैसी ही है बसरते उसका रूप बदल गया है। और कहते हैं कि तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है। ये जब न लोग जो है लोगों की बाड़ी सुनने लगते हैं तो इनको लगता है सबको कि हम बहुत बड़ा गुरु हो गए हैं फिर इनको सन्निपात रोग हो जाता है। डॉक्टर साहब नहीं सन्निपात मस्तिष्क ज्वर नहीं है। सन्निपात माने यह जो तमो रजो सतो तीनों गुण है ठीक है माने कि वो जो आयुर्वेद की भाषा में हाँ माने कि यह जो तीनों अवस्था है। देखिए अभी हम राशिक मानस रूप में है तीन व्यवस्था होती है ना आयुर्वेद में जिसका वर्णन है क्रोध और इसके लिए कल चर्चा की है। माने कि आदमी को
को अपने बस में जो नहीं रहता और बक बक करने लगता है वो तमो रजो सतो से ही माने गुड़ों का सन्निपात रोग हो जाता। कुछ गुड़ मिल गया उससे लोग जो है प्रभावित होने लगे, लोग अनाप शनाप बकने लगते, उसी को सन्निपात रोग कहते हैं। तो ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि तुझे भी सन्निपात हो गया है और रे दुष्ट राक्षस तू काल के बस में हो गया है। तो या को फलु पावही को आगे बानर भालू चपेट निलागे, राम मनुज बोलत सिपानी गिरहिन तवर सेनाय अभिमानी। कहते हैं इसका फल तू आगे पाएगा, बानर और भालुओं के चपेट लगने पर पावेगा इसका फल। राम मनुष्य है ऐसी बाणी बोलते बोलते ही अरे अहंकारी रावण तेरी जीभ कट के गिर नहीं जाती। आज यही सब कहते हैं कि राम जी अच्छे आदमी है रहने, तो लोग नहीं जानते ना, वो लोग उनको साधारण मनुष्य समझते हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं वास्तव में अंगद जी की बाणी से समझ जाइए कि इनकी जीभ गल के गिर जानी। गिरी ही रसना संशय नाही सिरन समेत समर महिमानी। कहते इसमें संदेह नहीं है तेरी जीव अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रण भूमि में गिरे जी। अब देखिए आगे एक सोठा है बड़ा अच्छा। सो नर क्यों दस कंध पाली बधे जे एक सर अभी सहु लोचन अंध पी सहु लोचन अंध दिग अतव जन्म तव जन्म पुजाती जड़। कहते हैं कि रे रावण जिसने एक ही बाण में बाली को मार दिया यानी मेरे पिताजी को अंगद जी बोल रहे वह मनुष्य कैसे। अरे कुजाती देखिए ब्राह्मण है और क्या बोल रहे हैं कुजाती, जो मन से ब्राह्मण नहीं है वो कुजाती है क्योंकि ब्राह्मण के नौ परम पवित्र गुण होते हैं मन निग्रह सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता। ब्राह्मण धरती के सबसे पहले देवता होते हैं। मैं ऐसे सभी ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अपने वास्तविक स्वरूप में जाएं, क्योंकि वो अपने स्वरूप को नहीं संभाल पाए इसलिए आज दंभी लोग उनकी हंसी उड़ा रहे। और कहते हैं देखिए तेरे जड़ 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है और तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सो नित की प्यास कृषित राम सायक निकर अत जहु तो ही नहीं दास कटु जल पक निशिक्षर अधम। थोड़ा सा यह अलग है। अत जहु तो ही नहीं दास सजहूं तो ही तेरी दास कटु चल पक निसी चर अधम। तो उठा इसे कुछ बात कहते श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे हैं और वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से
अरे कड़वी बकवास करने वाले नीच रावण राक्षस, मैं तुम्हें छोड़ता और कहते हैं कि मेरे शक्ति के बारे में तू सोच रहा है सब मार डालेंगे राक्षस मुझे। कहते हैं कि मैं तब दर्शन तोरी बेलायक आयसु मोहिन दीन रघुनायक, आशीर्ष से होती दसऊ मुख तोरो लंका कही समुद्र महापोरो। करें कि मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ श्री राम जी ने मुझे आज्ञा ही नहीं दिया है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुंह तोड़ डालू और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। अकुलरी फल समान तब लंका दसहू माझ तुम्हें जंतु शंका, और मैं बानर फल खात न बारा आयसु दीन न राम उदारा। करे कि तेरी लंका कूलर के फल के समान है और बंदरों का कूलर का फल बहुत अच्छा लगता है। कहते तुम सब उसमें कीड़े की भांति निडर होकर के रह रहे हो और मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाने में कितनी देर लगेगी। हाँ, पर कृपालु श्री रामचंद्र जी की वैसी आज्ञा नहीं है। तो जुगुति सुनत रावण मुसुकाई मूढ़ सिखी कह बहुत झूठाई, अब बाली ने कबहू गाल अस मारा मिली तपसिन भय दिल बारा। तो अंगद जी की युक्ति सुन कर के रावण मुस्कुराया और बोला कि रे मूर्ख तू बहुत झूठ बोलने वाला हो गया है, तूने कहाँ सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा, बाली ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। जान पड़ता है कि तू तपस्वियों से मिलकर झूठ बोलने वाला यानी लाभार हो गया। आज जो सब झूठ के बोलने वाले उन्हीं को सब अच्छा समझते है ना। नहीं वक्ता तही सिद्ध न, हाँ उसी को सब जो है अच्छा समझते। और कहते हैं कि सब अंगद जी कहते हैं देखिए कह रहे कि देख अब क्रोध न पड़ा, उसके बाद भी रावण ऐसा बोल रहा है। तब अंगद जी और क्रोध में आते हैं। तो साचे हूँ मैं लबार भुज भी है जौन उपारी तब जत जी हा। अंगद जी कहते अरे बीस भुजा वाले रावण, यदि मैं तेरी दसों जीभे मैंने उखाड़ न ली तो सचमुच मैं लबार। जीभ उखाड़ने का क्या अर्थ हुआ कि मैं तुम्हारी बोलती न बंद कर दूं। जीभ उखड़ जाएगा तो आदमी बोल नहीं पाएगा। तो वही कर रहे हैं यदि मैं तुम्हारी दसों जीवों को उखाड़ न लूं तब मैं लबार हूं। तो समुझी राम प्रताक तपि कोपा असभा माज पन करि पद रोपा। तब श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर और अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर को जमा दिए या नहीं दिए। और सुनिएगा यहाँ पर बहुत विशेष रहस्य आने वाला है जिसको आप लोग ध्यान से सुने। अंगद जी कह रहे हैं डॉक्टर साहब तो के पानी रूपी पैर जमावा की हम हाँ जितना जल्दी जमा दे। तो जौ मम चरण सकस सठ डारी फिर ही रामू सी
सीता मैं हारी। हमको तो झूठ बोलने वाला समझ रहा है। तो रावण सुन, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, और मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि सीता जी को हार के चला जाऊंगा। और सुनहु सुभट कह, सुनहु सुभट सब कहत से सीता पद कही धरनी पछारहु कीसा। सब रावण कहता है कि वीरो सुनो, पैर पकड़कर पृथ्वी से फेंक दो इसको, झटक दो। तो इंद्र जीत आदि बलवाना हरसी उठे जहां तहत नाना। तो मेघनाथ सहित अनेक बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर के उठते हैं। छपट ही करी बल विपुल उपाई पदन करई बैठ तिरुनाई। अब समझिए और निशान लगाइएगा इन सब लाइनों पर। सब बहुत प्रकार से उपाय करते हैं और छपटते हैं पैरों पर, लेकिन वह पैर हिलता नहीं है और सब जाकर के अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। तो पुनी उठी छपट ही सूर्या राती तरई न किस चरण यही भाती। ध्यान दे, कौने भाती, कौने भाती। अब ध्यान देवे का पूरा जरूरत होना। ये जो मोह मोह सब कह रहा कि गुरु मोह तो सभी के लगा बाहर है, तो ध्यान दे, ये मोह के उखाड़ा के ताकत कोई के नहीं बा। ताकत होना के जान ले, और जब उसे बनवे तो ही छुरी। तो पुरुष पूजोगी किमी उरे गारी मोह पितप नहीं सकही उखारी। अब पुरुष पूजोगी किमी उरे गारी मोह पितप नहीं सकही उपारी। यह जो मोह रूपी वृक्ष है इसको मात्र योगी लोग ही उपारते हैं ना। जो कुयोगी है माने जो विषय के भोगी है वह मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। तो जो रावण के राज्य में सब वो सब दुष्ट जितने भी बलवान हो वो सब के सब कुयोगी और भोगी है, इसलिए अंकद जी का पैर हिल नहीं पा रहा। डॉक्टर राजेश भाई यह देखो, जब पक्का पक्का योगी बनवे तब पे जो है कि मोह रूपी जो है अज्ञान, मोह माने अज्ञान, तो उसको मात्र योगी लोग ही उखाड़ पाते, विषयी लोग कभी नहीं। समझ में आई बात? एक बार हम रोक करके थोड़ा बोल देते और योग में क्या करे के बा, कुछ नहीं। ये शरीर, ये शरीर सेवक बा, भगवान एक स्वामी बा। आप निकल जा अभी आनंद। अरे जीव जोने सो सुर्तिया भी दबा के मजा लेवे। जीव नाक आँख कान और चमड़ा ये पांचों तब तक काम करो था जब तक प्राण बा। प्राण न रहते को काम करिए नहीं, ते प्राण है जोनो सबका पालन करता ने। तो सीधी बात बा कि प्राण ही यानी कि ईश्वर ही जो है स्वामी और शरीर सेवक। यही बात का अनुभव हल भाई। सब समझ में बात आया कि भगवान ने सबके अंदर बैठा पाए और सब छूटा का हम काम लेके हम और हमार। ये हम भाई, ये हमारा मेदारू हुआ, ये हमारा लड़का है, ये हमारा घर, ये हम हमार के चक्कर में सब बेकारा फसावा। अरे सेवक बन के शुद्ध सेवा के दे क्या कर दे, लालच घमंड गुस्सा करके। सरल सरल बात बाना देखल जा, आप लोग आयन है सुने और कहीं की अच्छे पापा जी आल बात कह चलो देखल जा कैसन बात। तो भवा यह करो कि ये शरीर के सेवक और भगवान के स्वामी बना लेवे तब जो है
भव सागर से पार हुई नहीं है, और जब तक अहंकार रही तब तक कुछ होने वाला नहीं बा। तो ठीक समझ में आया ना कि पुरुष को जो की अजीमी उरे गारी मोह बिटप नहीं कहीं उपारी, कोटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर साई, छपट ही कर न कपि चरना पुनि बैठ ही सिरनाई। कते करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर के उठे, वे बार बार छपटते हैं पर बानर यानी कि अंगद जी का चरण नहीं उठता है, और तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते है। अब ध्यान दे अखिलेश भाई, तू सही समय पर बोले बाया है, एक है कि थोड़ा सा जाना ही बड़ा सही समय पर, अगला तो हाथ तोरे बजे बाब है, तू पकड़ ले काम हो जाए क्या की टम्पू चला बोले ध्यान दे भूमिन छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाई, कोटि विघ्न दे संत कर मन जिमिनी तीन त्याग। कहते हैं कि जैसे करोड़ों विघ्न आने पर कितना विघ्न आ जाए लेकिन संत का नीति बदलता नहीं। आज स्थिति है कि जो लोग हिमालय सिंध पर्वत अमरकंटक जो गुफा में बैठे हुए संत तपस्या कर रहे हैं उनको, और यह शरीर जो आप देख रहे हैं मात्र इन्हीं लोगों को छोड़कर जो जनता के बीच में बैठकर आश्रम बनाए हुए हैं तमाम पंथ चला रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा यह बहुत समझने की बात है। संत का एक नीति होता है, एक नहीं उनकी तो कई नीतियां हैं, लेकिन एक लाइन में बता रहा हूं, अस्ते ब्रह्मचर्य सत्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तपस्या स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, यह 12 व्यवस्था होता है, माने 5 संयम 5 नियम मन निग्रह इंद्रिय निग्रह, ये संत का कभी बदलता। आज धरती पर जितनी व्यवस्था है ये 12 में से एक भी इनके पास नहीं है। अब रही बात परुष वचन कबहु नहीं बोले तो कड़ुआ बाड़ी उनके मुंह से नहीं निकलती, वो मीठी मीठी बाड़ी बोलना जानते, चारों बदल गया, समदम नियम नीति, जबकि नीति है कि समदम नियम नीति नहीं डोले से बढ़ो के बाहर तो डोल गए हैं, क्योंकि अगर मन निग्रह होता तो धन का संचय न करते, लेकिन बड़ा बड़ा आश्रम गाड़ी ये सब जो है कि लोग का अंत है ये सब, तो समदम नियम नीति डोल चुका है और वही परुष वचन के जगह बचाए हुए हैं। कुआं खोल देते हैं बैठ करके सोचते हैं कि जब 15 मिनट के लिए निकलेंगे तो कौन सा भाषण देंगे कि जनता हमारी ओर आकर्षित, इतना ही है। इसीलिए न गुरु जैसा होते वैसे ही संसार का रूप रेखा बनता है। अब चूंकि कपट वहां हो गया है इसलिए आप देखेंगे तो भाई भाई में विरोध कपट ये हर जगह फैल गया, तो देखिएगा वही कह रहे हैं कि जैसे करोड़ों विघ्न पड़ने पर भी संत का मन नीति नहीं छोड़ता, वैसा ही बानर यानी अंगद जी का चरण पृथ्वी नहीं छोड़ता है। यह देखकर शत्रु रावण का जो अहंकार है वह तो दूर हो गया उस क्षण के लिए, और कहते हैं कपि बल देखि सकल ही हारे
उठाया कुकपी के परचारे गहत चरण कह बाल कुमारा मम पद गहे न तोरे उभारा। जब सब हार गए है ना तब जो है अंगद के ललकारे पर रावण उठा सिंहासन छोड़ करके अंगद जी का पैर उठाने के लिए। तो अंगद जी क्या करते हैं अपना पैर खिसका लेते हैं और कहते हैं कि रे दुष्ट रावण मेरा पैर क्यों छू रहा है। भगवान के जाके है कहते हैं कि मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा तो क्या हुई। कहती न राम चरण सठ जाई सुना फिरा मन अति सकुचाई। अंगद जी कह रहे कि जाके राम जी के चरण क्यों नहीं छूता। तो यह बाड़ी सुन करके वह संकोच करता है और मन में मदे कि फिर जाता है और संकोच करता है। भय तेज हत सी सब गोई। ध्यान दे डॉक्टर साहब जो बार बार कहते कि इसमें सी लगाने के लायक कोई नहीं क्योंकि भय तेज हत सी सब गोई मध्य दिवस जिमी शशि सोहाई। कहते हैं कि जरा तो उखाड़ने के लिए पैर और देखा कि बात एकदम बदल गई तो तेज हीन हो गया जैसे कि मध्यान्ह में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। भाई दोपहर का समय हो तो उसमें चंद्रमा दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। तो वैसे ही रावण का तेज बिल्कुल हीन हो तो सिंहासन बैठे उसीरे नाई मानहु संपत्ति सकल गवाई। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर ऐसे बैठ गया जैसे लगता है कि उसकी पूरी संपत्ति चली गई हो। जगत आत्मा जगदात्मा प्राणपति रामा पासु विमुख किमी लाभि श्यामा। ध्यान दीजिए कहते हैं कि श्री राम जी संपूर्ण भुवनों के मालिक है जगत के आत्मा है और उनसे विमुख होने पर शांति कोई कैसे प्राप्त कर सकता। आज लोग आत्मा की बात नहीं मानते मन का नौकरी करते हैं भाई। मन जो कही हुए कर लेने और कहीं आप मन के मालिक है अपने। अरे मन के मालिक नहीं है मन का नौकर है। मनवा जो कहता हुए पढ़ता है तो मन का नौकरदार है। तो उमा राम की भ्रिकुटी पिलासा होई विश्व पुनि पावई नाशा। शंकर जी के बाड़ी बा कहते हैं कि ये उमा जिन रामचंद्र जी के भू विलास यानी जो भावे हैं उनके इशारे पर विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है। अत्रिन ते कुलिसे पुलिस त्रिन करई तासु दूत पन कहू की मिटरई। कहते हैं जो वज्र को तिनका और तिनकों को वज्र बना देते हैं उनके दूत का प्रण कहो कैसे चल सकता। तो देखिए प्रभु राम जी पर जब पूरा का पूरा विश्वास होगा तो कोई भी कार्य जगत में असंभव नहीं है। तो पुनि कपि कही नीति विधि नाना मानन ताही कालू नियराना। तब जो है अंगद जी ने अनेकों प्रकार से नीति कही
पर रावण ने नहीं माना। रावण क्योंकि उसका काल निकट आ गया। तो रिपु मधमति प्रभु सुजसु सुनायो यह कही चलो बाली निप जायो। तो शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद जी ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयस सुनाए और फिर वह राजा बलि का पुत्र यह कह करके चल देते हैं क्या कि हतो न खेत खिलाई खिलाई तो ही अब ही का करो बढ़ाई। अब प्रथम ही सुत नय कपि मारा सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तो तुझे खिला खिला करके मारूंगा। अंगद जी कह रहे हैं कि अब तू नहीं मान रहा है ना, तो रणभूमि में तुझे खिला खिला करके मारूंगा। तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। और अंगद जी ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। क्या तुम्हारे पुत्र को तो मैं हूँ, जब लंका में प्रवेश किए तो हुआ था ना फिर। हाँ, और वह जब बात बताया तो रावण फिर दुखी हुआ। क्या भोज देने के मारे तो जा तू धाने अंगद पन देखी अभय व्याकुल सब भय विषेकी। अंगद जी का प्रण सफल देखकर सब राक्षस डर से अत्यंत व्याकुल हो तो रिपु बल धर सिंह रसि कपि अपालित नय बल पुंज अपुलक शरीर नयन जल सहे राम पद कंज। शत्रु का बल मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी हर्षित होकर के रामचंद्र जी के आकर के चरण कमल पकड़ लिए और उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद के आंसुओं का जल भरा है। तो साझे जानी दस कंधर भवन गयउ बिल खाई मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर रावण उदास हो करके, दिलखाई माने उदास उदास उदार नहीं उदास उदास तो आप लोगों को होना है। उदास होकर के महल में गया तब मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर करती है। अब जो करती है वह बाड़ी आगे होगी, इसके बीच में थोड़ा पानी।